पिछले टर्न पर जो है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हो चुका था, ठीक है। और अपन ने आखिरी में किसके बारे में बात करी थी, हमने आखिर में बात करी थी ऑफसेट के बारे में, किसके बारे में बात करी थी, ऑफसेट के बारे में बात करी थी, आईकॉर्निया की। चलिए अब आईकॉर्निया क्या है, ठीक है, ये इसके बारे में बात कर लेते हैं, आईकॉर्निया क्या चीज है, ठीक है। देखो आईकॉर्निया का दूसरा नाम है बेटा वॉटर हाइसिंथ। आईकॉर्निया को क्या कहते हैं अपन, वॉटर हाइसिंथ भी कहते हैं, ठीक है। अब ये देखो कैसा दिखता है ये पौधा, ठीक है, ये कैसा दिखता है पौधा, इस तरीके का कोई ये पौधा दिखता है। कहां पर ये दिखेगा सर, ये बेटा वाटर वाटर बॉडी में, ठीक है, कहां पर दिखेगा, वाटर बॉडी में आपको दिखेगा, ठीक है, फ्रेश वाटर में ज्यादातर आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इसमें बोर्ड एग्जाम को लेकर के, तो ये सुन लो पहले क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, वाटर हाइसिंथ जो है उसको हम टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहते हैं, वाई वाई क्वेश्चन ये आता है बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में, देख लीजिए, वाई वाटर हाइसिंथ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आता है ये क्वेश्चन, ठीक है, वाई वाटर हाइसिंथ, वाई वाटर हाइसिंथ इज कॉल्ड, इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल, ये क्वेश्चन आपके आएगा, ठीक है। देखो अब सुनो क्या हुआ था, अब इसकी कहानी सुनो बेटा, क्या है इसकी कहानी। देखो सबसे पहले ये जो वाटर हाइसिंथ, ये एक पौधा है, बहुत अच्छा खूबसूरत पौधा है बेटा ये, ठीक है, कैसा पौधा है ये, खूबसूरत पौधा है ये वाला, ठीक है, बड़े बहुत अच्छे इसके फ्लावर है, देखो कितने अच्छे फ्लावर है इसके, है ना, कितनी अच्छी लीव्स है देखो, ठीक है, कितनी अच्छी लीफ है ये, है ना, फ्लावर भी बहुत अच्छा फ्लावर है। तो इसको इसकी खूबसूरती के कारण जो है लाया गया था, इसको इसकी खूबसूरती के कारण जो है बाहर से लाया गया था, कहां से लाया गया था, बाहर से, ये जो प्लांट है इंडिया में नहीं उगता बेटा, ठीक है, लेकिन ये इतना खूबसूरत था, ठीक है, कि इसको जो है सबसे पहले, ये जो है सबसे पहले इंदिरा गांधी लेक में, ठीक है, और जो है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की लेक्स में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, बंगाल की लेक में, ठीक है, बंगाल की जो लेक्स है उसमें इंट्रोड्यूस किया गया कि भाई ये चलो अच्छी लगेंगी, ठीक है, इससे जो है अट्रैक्ट होंगे टूरिस्ट इस लेक्स को देखने के लिए, है ना, तो कितना अच्छा लगेगा, पानी जो है, पानी में तैरता फ्लावर बढ़िया, ठीक है, पानी में जो है तैरता लोटस, लोटस प्लांट, ठीक है, गुला जो है रहता है ना, कमल का फूल पानी में जो है कीचड़ में उगता है तो बड़ा अच्छा लगता है ना, वैसे ही बेटा ये भी जो है बंगाल की लेक्स में इंट्रोड्यूस किया गया कि भैया ये तो बहुत खूबसूरत पौधा है, अच्छा इसका फ्लावर है तो काफी अच्छा रहेगा, ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो ये जो है पौधा इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन क्या हुआ कि ये जो है मुसीबत बन गया, ये जो पौधा है मुसीबत बन गया बेटा, ठीक है, पौधे का नाम क्या है, वॉटर हाइसिंथ, ठीक है, या फिर कहो आईकॉर्निया, ठीक है, ठीक है, और इसे अपन तीन नाम कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, ये वाटर हाइसिंथ, आइकॉर्निया और टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहते हैं ये पढ़ेंगे, ठीक है। देखो तो ये बंगाल की लेक्स में इंट्रोड्यूस किया गया, ये लेक्स कहाँ की थी, बंगाल की, ठीक है। लेकिन क्या हुआ बेटा कि आप सब जानते हो, पिछले टर्न पर मैंने आपको बताया था, पिछले टर्न पर आपको मैंने बताया था कि बेटा ये है वाटर हाइसिंथ का पौधा, कौन सा है बेटा, ये वाला जो है, ये है वाटर हाइसिंथ का पौधा है वाला, ठीक है, और ये वाटर हाइसिंथ का पौधा जो है इसमें क्या निकलती है, ये एक स्टेम निकलती है बेटा, बेटा ये क्या चीज है, बेटा ये है रूट, ये क्या है वाटर हाइसिंथ की, ये है रूट, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ब्लैक ब्लैक कलर की, ये क्या है, रूट्स हैं, ठीक है, और ये रूट जो है कहां पर है, ये पानी के अंदर है बेटा, कहां पर है ये, पानी के अंदर, ठीक है। ये क्या है सर, ये ग्रीन ग्रीन, सर ये ग्रीन ग्रीन क्या है, तो बेटा ये लीव्स है, ये क्या है बेटा, ये लीव्स है, ये पौधे की लीव्स है, ठीक है, और इसी पौधे, इसी लीव्स पर आगे जाके जो है ये सब ऐसा ऐसा फ्लावर भी लगता है, ठीक है, ऐसा फ्लावर भी इस पे लग जाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, तो इस तरीके का जो है फ्लावर भी आपको जो है यहाँ पर लगेगा, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके का फ्लावर भी जो है लग जाएगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इस तरीके का। तो अब क्या हुआ, ये एक लगाया गया, दो लगाए गए, थोड़े बहुत लगाए गए बंगाल की खाड़ी में या बंगाल की लेक्स में, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसने बेटा, आप जानते हो कि ये बहुत तेजी से रिप्रोड्यूस करता है, कैसे, ये इसकी रूट है, ये इसकी रूट है, ठीक है, ये रूट है, ये क्या लीव्स है,
ठीक है, आज हम जो है एंड तक जुड़े हैं ना, आज हम जो है बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक भी होगी, लैंग्वेज भी पढ़ेंगे, लैटिन लैंग्वेज क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे हुए तो, है ना। तो ये आज आज फिर से वही करना है अपन को, बहुत सारे काम करने, तो जुड़े रहना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है ये। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये लीव्स है ठीक है, और ये क्या है, रूट है, ये क्या बेटा इसकी स्टेम है, ये ऑफसेट क्या है इसकी, स्टेम है ठीक है, ये क्या इसकी स्टेम है, और ये स्टेम जो है ये क्या करती है, यहाँ पर इस तरीके से ये स्टेम जो है आगे बढ़ी, ग्रोथ हुआ, और यहां पर क्या हुआ, यहां पर जो है इसने क्या बना दिया, एक नया प्लांट बना दिया, फिर ये ऑफसेट आगे बढ़ेगी ठीक है, फिर ये ऑफसेट क्या होगी, आगे बढ़ेगी और फिर से एक नया प्लांट जो है लग जाएगा। ये जो ऑफसेट है बेटा पानी में तैरती रहती है, ये क्या करती है ऑफसेट पानी में ये तैरती रहती है बेटा ये, ठीक है, ये ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ क्या रहता है, ये रहता है यहाँ पर पानी रहता है ठीक है, ये वाटर रहता है इधर, वाटर ठीक है। तो रूट कहाँ पर नहाई हुई रहती है बेटा, रूट्स जो है पानी में नहाई हुई रहती है ठीक है, बाकी जो लीव्स हैं वो कहाँ पर रहती है, पानी के ऊपर ठीक है। ऑफसेट कहाँ है बेटा, ऑफसेट ये जो ऑफसेट है वाली ठीक है, ये जो स्टेम टाइप की, ये भी कहेगी कैसी रहेगी, पानी के ऊपर रहती है ये भी जनरली ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, आ रही बात समझ में, ये रूट सिर्फ नीचे रहेगी ठीक है। और क्या हुआ बेटा, इसने जो है अपनी स्टेम के थ्रू इतना ज्यादा रिप्रोडक्शन कर दिया, ये स्टेम जो है मोटी है बेटा, ऑफसेट कैसी मैंने आपको पिछले टर्न में बताया था, ऑफसेट जो है मोटी स्टेम होती है, और क्या करती है ये जो है, ये जो ऑफसेट है बेटा मोटी है बहुत ज्यादा, और क्या करती है ये फ्लोट करती है पानी के ऊपर, क्या करती है बेटा ये ऑफसेट फ्लोट करती है ये स्टेम ठीक है, और ये आगे जाके जैसे जैसे जाती जाएगी एक नया जो है पौधा बना देगी, फिर और आगे जाएगी एक नया पौधा बना देगी, फिर और आगे जाएगी एक नया पौधा बना देगी, आ रही बात समझ में ठीक है, ये आगे जाती जाएगी और नया पौधा बनाती जाएगी ठीक है, क्लियर है ये बात, इस बात को ध्यान रखना बेटा, ये जो प्लांट है ठीक है, ये जो प्लांट है ये वाला, ये इतनी तेजी से ग्रो करता है कि हद नहीं है ठीक है, ये प्लांट जो है अपनी स्टेम के थ्रू, ऑफसेट के थ्रू, ऑफसेट से इसने ये वाला नया पौधा बना दिया, फिर आगे जाके ऑफसेट और एक और पौधा बनाएगी, इस तरीके से ये जो है ग्रो करते जाएंगे, ग्रो करते जाएंगे, लंबी पूरी एक चेन बनती चली जाएगी ठीक है, पूरी एक लंबी चेन बन जाएगी इस तरीके से ठीक है, और वहां पर बहुत सारे प्लांट्स जो है उगते जाएंगे उगते जाएंगे उगते जाएंगे ठीक है, एक एक पूरी लंबी ऑफसाइट के थ्रू ठीक है। तो अब मुझे आप ये बताओ क्या दिख रहा है आपको, ये सर हमें तो ये गार्डन दिख रहा है सर, दिल गार्डन गार्डन हो गया, नहीं बेटा ये गार्डन नहीं है, समझना इस बात को, ये जो है ये आपका पौधा है, ये वाटर हाइसिंथ है, और नीचे इसके लेक है, लेक समझ रहे हो इस बात को, नीचे लेक है ठीक है, इसके नीचे आप जाओगे ना तो लेक है बेटा, दलदल लेक है, और पूरी की पूरी लेक कवर हो चुकी है किससे, इस प्लांट से बेटा, इतना तेजी से ये ग्रो करता है, आ रही बात समझ में, ये बहुत तेजी से ग्रो करता जाता है, धड़म 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 रिप्रोड्यूस करता जाता है, आगे अपनी ऑफसेट निकालता जाता है, ऑफसेट निकालता जाता है, नया पौधा बनाता जाता है, ऑफसेट निकालता जाता है, नया पौधा बनाता जाता है, ऑफसेट निकालता जाता है, नया पौधा बनाता जाता है, ऑफसेट निकालता जाता है, नया पौधा बनाता जाता है, तो ये पूरी की पूरी लेक को कवर कर लिया ठीक है सर, गार्डन बन गया, अच्छी बात है सर, लेक से गार्डन बन गया ठीक है, नहीं गार्डन बन गया, देखो क्या नुकसान हो गया, ये तो नुकसान हो ही गया, लेकिन एक नुकसान और हो चुका है, क्या हो चुका है बेटा इस बात को समझना, देखो क्या एक दूसरा नुकसान ये हो गया है बेटा कि आप जानते हो इसकी रूट्स कहां पर है, आप बताओ सभी, इसकी रूट्स कहां पर रहती हैं, पानी में रहती हैं या जो है लैंड में रहती है इसकी रूट्स, बताओ इसकी रूट्स कहां पर रहती हैं, देखो अब क्या हुआ बेटा कि ये जो इसकी रूट्स हैं, इसकी रूट्स जो है ये पानी में प्रेजेंट होती हैं, ये रूट्स है, यस सर ये रूट्स है ठीक है सर, रूट है, अब ये पानी में प्रेजेंट होती है, यस सर, अब क्या हुआ ये रूट्स क्या करती हैं, बहुत तेजी से ऑक्सीजन लेती हैं, क्या लेती हैं बेटा बहुत तेजी से ऑक्सीजन लेती हैं, ऑक्सीजन लेती हैं, ऑक्सीजन लेती हैं ठीक है, और जो लेक होगी लेक में क्या पाई जाएगी बेटा, फिश पाई जाएगी, फिश पाई जाएगी कि नहीं, है ना, तो ये जो लेक है इसमें फिश पाई जाएगी, इसको क्या है ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाएगी, इस फिश को क्या नहीं मिल पा रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इस फिश को ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं मिल पा रही है बेटा, ये फिश जो है इसकी टाए टाए फिश हो जाएगी बेटा, ये इसकी क्या हो जाएगी, टाई टाई फिश हो जाएगी ठीक है, तो ये मर जाएगी बेटा ठीक है, ये मर जाएगी, ये मर गई बेटा, देखो
मर गई, ठीक है, क्योंकि उसको क्या नहीं मिल पा रही बेटा, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, ठीक है, कोरोना में भी क्या नहीं मिल पा रही, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, ठीक है, चलो हम तो क्या सिलेंडर लगा देते हैं, है ना, तो लेकिन ये फिश कहाँ से लगाएगी सिलेंडर बेटा, तो ये मर जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये लेक है बेटा, समझना, ये एक लेक है, ठीक है, लेक के नीचे ये लेक है जो पूरी ढक चुकी है, किससे, ये लेक है वाली जो पूरी की पूरी ढक चुकी है किससे, वाटर हाइसिन से, ये लेक है जो किससे ढक चुकी है, एक प्लांट से पूरा ढक चुकी है, कवर अप हो चुकी है पूरा का पूरा, ठीक है, और इसके नीचे कौन है, इसके इसके नीचे जो है फिशेज है बेटा, वो सारी की सारी मर गई। तो बेटा कहा यार कि यार सारी की सारी फिशेज मार दी, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो नीचे इस लेक के नीचे रहते हैं वाले जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे मार डाले बेटा इसने। तो कहते हैं यार इसका आतंक है यार, ये तो आतंकी है ना, ये क्या कहेंगे, वाटर हाइसिंथ को क्या कहा गया कि यार ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक आतंकी है, सारा का सारा ऑक्सीजन खुद ही ले ले रहा है, सारा का सारा ऑक्सीजन खुद ही ले ले रहा है, और नीचे को जो ऑर्गेनिज्म है उनको मिल ही नहीं पा रहा ऑक्सीजन, तो उसको आतंकी घोषित कर दिया। आतंकी क्या करता है बेटा बताओ, आतंकी क्या करता है, मारता है ना, बंदूक से पिस्तौल से मारता है बेटा, ये ऑक्सीजन छीन करके मारता है बेटा, ऑक्सीजन नहीं लेने देता, मार डालता है ये भी, तो इसको आतंकी घोषित कर दिया। आतंकों को क्या कहते हैं, तो इसका खौफ है हर जगह इस प्लांट का, इसका आतंक है हर जगह, आतंक को कहते हैं टेरर, आतंक को क्या कहते हैं बेटा, टेरर, कि भैया इसका टेरर है भाई साहब, बहुत खतरनाक चीज है ये, बच के रहना इस प्लांट से, है ना, तो ये टेरर है इसका। और ये टेरर जो है कहां पर देखने को मिला, इंडिया के किस भाग में देखने को मिला ये टेरर बेटा बताओ, कहां पर लाया गया था इस प्लांट को, कहां पर इस प्लांट को उगाया गया था, इंडिया में किस जगह पर उगाया गया था बताओ चैट पर, बंगाल में, है ना, बंगाल की लेक्स में, तो बंगाल की लेक्स में जो है इस प्लांट को उगाया गया था, तो बंगाल की लेक्स में ही तो मिलेगा इसका टेरर, है ना, तो टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं बेटा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया बेटा, टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है, इस प्लांट का जो क्या कहा गया, इसको टेरर ऑफ बंगाल घोषित कर दिया, ठीक है, ये बात क्लियर है सबको, एक्टिव रहना बेटा चैट पर, ये बात ध्यान रखना। चलो अब आगे बात करते हैं, ठीक है, अब इसको थोड़ा एक बार पढ़ लो क्या लिखा है, कहीं कुछ और तो नहीं लिखा बेटा, एक बार पढ़ लो, देखो क्या लिखा है, इस ये क्या है, वाटर हाइसिन जो है, वाटर हाइसिन जिसे अपन बायोलॉजी में आइकॉर्निया भी कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, आइकॉर्निया भी कहते हैं, ये एक प्रकार की इन्वेसिव वीड है, इन्वेसिव मतलब फैलने वाली, इन्वेसिव का मतलब क्या होता है, फैलने वाली, ठीक है, फैलने वाली, बहुत तेजी से जो है ये फैलती जाती है, ठीक है, वीड 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 यानी वीड वीड जो वीड होती है खरपतवार बेटा, वीड का मतलब होता है खरपतवार, किसी काम की नहीं होती है, ठीक है, खरपतवार नाम सुना होगा आपने, खरपतवार, ठीक है, खरपतवार जो है वीड्स कहलाती है, ठीक है, अब वीड्स मैंने आपको बताया होगा, देखो वीड्स क्या होती है, आपका ये देखो, ये है आप खेत जो है, खेत होंगे कहीं होंगे बेटा, है ना, तो मान के चलो ये खेत है आपका, है ना, हरा भरा खेत, ये हरा भरा खेत है, ठीक है, ये रहा खेत आपका, ठीक है, ये खेत है, खेत में आपने बेटा गेहूं उगाई, गेहूं क्या उगाई, गेहूं उगाई, गेहूं, ठीक है, आपने वीट उगाई, गेहूं उगाई, और उसके साथ जो है उसके साथ उल्टे सीधे पौधे उग जाते हैं वीट के साथ, ठीक है, वीट के साथ जो है आपकी ये जो वीट आपने उगाई, ये क्या है बेटा, आपकी वीट है वाली, ठीक है, ये वीट आपने उगाई, उसके साथ उल्टे सीधे पौधे उग गए, उसके साथ क्या हो गए, उग गए बेटा, उल्टे सीधे पौधे उग गए, ठीक है, उस ये जो उल्टे सीधे पौधे हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, किसी काम के नहीं है ये, ठीक है, कुछ नहीं करते, किसी काम के नहीं है, उल्टा नुकसान पहुंचाते हैं इस वीट को, ठीक है, वीट का सारा न्यूट्रिशन खुद ले लेते हैं, सॉइल में से सारा का सारा जो न्यूट्रिशन है, जो सॉइल होती है, ये जो सॉइल होती है ना नीचे, सॉइल में तो उगती है वीट, है पानी में उगाते हो क्या वीट, नहीं ना, तो जो सॉइल में जितनी जो न्यूट्रिशन होते हैं, सोडियम वगैरह, ठीक है, पोटेशियम वगैरह, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये खुद ले लेते हैं, ठीक है, और ये वीट को जो है नहीं देते, वीट जो है खराब हो जाती है इससे, ठीक है, ऐसे होता है, तो इस प्लांट को, इस अनवांटेड प्लांट को, इस अनवांटेड प्लांट को अपन क्या कहते हैं, इस अनवांटेड प्लांट को अपन कहते हैं वीड, ठीक है, इस अनवांटेड प्लांट को क्या कहते हैं अपन, वीड, ठीक है, ऐसे ही बेटा क्या अपन इस ऐसी वाटर हाइसिंथ को भी क्या घोषित कर दिया गया, वीड के घोषित कर दिया गया, यानी अनवांटेड घोषित कर दिया गया, हमें कोई इससे कोई मतलब नहीं है, हमें ये किसी काम का नहीं है, ये इतना ज्यादा कोई इतने खास कोई फूल नहीं है, दूसरा लोटस वोटस उगा लेंगे यार, है ना, तो इसलिए इसको वीड घोषित कर दिया गया, और ये फैलने वाली, ये बहुत तेजी से फैलती है, इसलिए इनवेसिव वीड घोषित कर दिया गया, इसका नाम क्या कहा गया, कि ये बहुत तेजी से फैलती है,
क्या करती है, बहुत तेजी से फैलती जाती है पूरी की पूरी वाटर बॉडी पर, ठीक है, पूरी की पूरी वाटर बॉडी पर, ये वाटर बॉडी है, इस पूरी वाटर बॉडी पर फैलती जाती है, ठीक है। ये जो है ये प्लांट जो है इस तरीके का, इसके फ्लावर जो है ये फैलती जाएगी, ठीक है, पूरा का पूरा लेक कवर कर लेगी बेटा ये, ठीक है। और ये कैसी है, अनवांटेड है, ठीक है, अनवांटेड है और फैलने वाली है, इसलिए इसे अनवेसिव वीड कहा गया, ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये कहाँ ग्रो करती है, हमेशा बात ध्यान रखना, जहां पर भी स्टैंडिंग वाटर होगा, सर खड़ा हुआ पानी, स्टैंडिंग का मतलब होता है खड़ा, ठीक है, स्टैंडिंग का मतलब होता है खड़ा होना। सर मैम जरूर कहती है हमारी स्कूल में, खड़े हो जाओ बेटा, स्टैंड अप कहती है ना मैम, तो इसका स्टैंड का मतलब क्या होता है, खड़ा। तो खड़ा पानी का मतलब क्या है, खड़ा पानी का मतलब जो ये है कि ये जब आप खड़े होते हो तो मूव नहीं करते ना, ठीक है, जब खड़े होते हो, ठीक है, तो एक बार मतलब खड़ा का मतलब ये है, इसके खड़ा का मतलब ये है कि मूव ना करना, ठीक है, मूव नहीं करने वाला पानी, मूव नहीं करने वाला पानी, मूव नहीं करने वाला पानी, ठीक है। अब मूव कौन नहीं करता, ठीक है, लेक्स वगैरह जो रहती हैं आप देखोगे मूव नहीं करती, बिल्कुल स्टैंडिंग स्टेट में रहती है लेक्स, जबकि रिवर फ्लोटिंग स्टेट में रहती है। स्टैंडिंग वाटर का उल्टा क्या होगा, फ्लोटिंग वाटर, ठीक है, स्टैंडिंग वाटर का उल्टा क्या होगा, फ्लोटिंग वाटर, ठीक है, मूव नहीं करने वाला, ठीक है, मूव नहीं करने वाला, ठीक है। तो ये ज्यादातर लेक्स में या पॉन्ड्स में उगता है बेटा, लेक्स में और पॉन्ड्स में, ठीक है, लेक्स में और पॉन्ड्स में, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या करता है, इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, ये क्या करता है, मैंने आपको बताया था सारा का सारा ऑक्सीजन खुद ही जो है चूस लेता है, सारा का सारा ऑक्सीजन वाटर बॉडी में। सर पानी के अंदर ऑक्सीजन होता है क्या बेटा, ये बात ध्यान रखना, पानी के अंदर भी ऑक्सीजन होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, पानी के अंदर ऑक्सीजन होता है और जितना आप गहरा जाते जाओगे उतना ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता जाएगा, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। तो पानी में क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, ये और वो ऑक्सीजन कौन लेती है, फिशेस लेती है, तभी तो जिंदा रह पाती है बेटा, हर एनिमल को क्या चाहिए रहता है, ऑक्सीजन चाहिए रहता है। और पानी से कौन ऑक्सीजन लेता है, फिशेस, ठीक है, जो भी जानवर है वहां पर, टर्टल वगैरह जो भी जानवर वहां पर रह रहे हैं उनसे वो पानी से ऑक्सीजन लेते हैं। अब सारा का सारा ऑक्सीजन यही खा गया प्लांट, तो बेटा सारे के सारे जो है किसकी डेथ हो जाएगी, फिशेस की, और आप कह सकते हो जो भी वाटर वाटर एनिमल्स थे उनकी भी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी सारे के सारे वाटर एनिमल की। तभी इसे अपन ने क्या घोषित कर दिया, आतंकी घोषित कर दिया। आतंक इसका आतंक था कहां पर, बंगाल में देखने को मिला इसका आतंक, किस कहां पर, बंगाल में। इसे इसे कहते हैं वाटर हाइसिंथ, क्या कहते हैं बेटा इसे, वाटर हाइसिंथ कहते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया वाला, कि इसको इंडिया में, ये इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, ये लाइन ये बता रही है कि इंडिया में ये पहले उगता नहीं था, नेचुरली इंडिया में नहीं उगता था, ठीक है, इसको लाया गया था बाहर से, इट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया, बाहर से लाया गया था, क्योंकि इसके ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं और शेप इसकी अच्छी है लीव्स की, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तीसरे क्या लिखा है, सिंस इट कैन प्रोपोगेट वेजिटेटिवली, बेटा ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है ना, क्योंकि ये ऑफसेट के थ्रू रिप्रोडक्शन क्या कहलाया जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ऑफसेट क्या है बेटा, एक स्टेम है, ये बात ध्यान रखना, पूछा जा सकता है ऑफसेट क्या है, क्या वो रूट है, क्या वो स्टेम है या लीफ है, तो ऑफसेट एक स्टेम है, और जैसे जैसे ये ऑफसाइड निकलेगी यहां से एक नया प्लांट बनेगा, फिर इसमें से ऑफसाइड निकलेगी एक नया प्लांट बनेगा, ठीक है, फिर इसमें से ऑफसाइड निकलेगी इस वाले प्लांट से एक ऑफसाइड निकलेगी, फिर एक नया प्लांट निकलेगा। अब ये वाली जो प्लांट है फिर एक ऑफसाइड निकालेगा, एक स्टेम निकालेगा लंबी, ठीक है, जो फ्लोट करेगी पानी पर, इससे एक नया प्लांट बन जाएगा बेटा, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, चलो ठीक है। तो ये क्या कहलाया जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाया जाता है। ये क्या कहलाया जाता है, ऑफसेट के थ्रू रिप्रोडक्शन, स्टेम के थ्रू रिप्रोडक्शन, ये क्या कहलाया जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सर ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्यों कहा जाता है, एक हर एक एक चीज समझना, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें बेटा वेजिटेटिव पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, जैसे स्टेम, रूट और लीफ, ये क्या है, वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। क्या बोला मैंने, स्टेम, रूट और लीफ वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। तो सर रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं फ्लावर, ठीक है, फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये मैंने कल भी बात बताई थी आपको कि स्टेम लीव्स और रूट ये क्या है बेटा,
स्टेम लीव्स और रूट क्या है, वेजिटेटिव पार्ट है, और इनके थ्रू अगर रिप्रोडक्शन हो, इनके थ्रू एक नया पौधा बने, नया पौधा पैदा हो, तो ये क्या कहलाया जाएगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाया जाएगा। और अगर फ्लावर से, फ्लावर के थ्रू कोई नया प्लांट बनता है तो उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं कहेंगे। फ्लावर क्या कहलाया जाता है, फ्लावर जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाया जाता है, फ्लावर क्या कहा जाता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाया जाता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, फ्लावर जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जबकि स्टेम लीव्स और रूट क्या है, वेजिटेटिव पार्ट है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, कौन से पार्ट है, वेजिटेटिव पार्ट्स है। ठीक है, ये बात मैं बता चुका हूं पहले, ठीक है, याद कर लेना, मैं पूछूंगा यहाँ पर। ठीक है, स्टेम रूट और लीव्स। चलो दूसरी, दूसरा क्या लिखा है, देखो, स्प्रेड ऑल ओवर द वॉटर बॉडी इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बेटा ये जो है मात्र बहुत जल्दी जल्दी रिप्रोडक्शन करता है और ये पूरे लेक्स में फैल गया। मैंने दिखाया था, ये पूरी लेक थी जो पूरी की पूरी किससे कवर हो गई है, ये पूरी की पूरी लेक थी जो अब गार्डन बन चुकी है। बेटा क्या बन चुकी है, लेक गार्डन, गार्डन बन गई। ठीक है, क्या बन गई बेटा, लेक गार्डन, गार्डन बन गई है। ठीक है, ठीक है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ देम, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है अब इससे छुटकारा पाना। रिड मतलब होता है छुटकारा पाना। ठीक है, ये बुक की लाइन है आपकी। ठीक है, रिड यानी छुटकारा। ठीक है, अब बहुत ज्यादा इनसे छुटकारा पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, इनसे छुटकारा पाना। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर हो गया ये बात। देखो एक बात क्या क्या पढ़ा अपन ने, जो इंपॉर्टेंट बात है, ये इसका रिप्रोडक्शन होता है ऑफसेट के थ्रू। ऑफसेट क्या है, एक ऑफसेट क्या है, एक प्रकार की स्टेम है। ठीक है, ठीक है, और क्या पढ़ा अपन ने, स्टेम रूट और लीव्स एक प्रकार के क्या होते हैं, ये जो है वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, स्टेम रूट और लीव्स वेजिटेटिव पार्ट्स, फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, अगर वेजिटेटिव पार्ट के थ्रू, अगर वेजिटेटिव पार्ट के थ्रू रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसे कहेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या कहेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, आ रही बात समझ में, ये बहुत तेजी से फैलता है। ठीक है, इसको रोक नहीं पाते हम। ठीक है, रोक नहीं पाते, पूरा फैलता चले जाता है, इसलिए इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है बेटा इससे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। देखो एक बात और ध्यान रखना, देखो एक बात ध्यान रखना, सुनो ढंग से, हमारे जो जैसे इंडिया है, इंडिया है तो जैसे एक होता है प्रे, एक होता है प्रेडेटर। एक क्या होता है बेटा, प्रे, एक होता है प्रेडेटर। ठीक है, प्रे मतलब सुनना, देखो मैं एक बात बता रहा हूं तुम्हें इंपॉर्टेंट, एक होता है प्रे और एक होता है प्रेडेटर। ये मैंने तुम्हें जोड़ दिया इस चैप्टर को, 16th चैप्टर से जो तुम पढ़ोगे अभी आगे, इन्हें जोड़ दिया। एक होता है प्रे, एक होता है प्रेडेटर। प्रे होता है तुम्हारा, जैसे मैं बात करूं, हिरन, हिरन जो होता है, डियर, डियर जो होता है उसे प्रे कहते हैं। और डियर को खाने वाला कौन होता है, डियर को कौन खाता है बेटा, शेर। डियर को कौन खाता है, शेर बेटा, लायन। तो लायन क्या कहलाया जाएगा, प्रेडेटर कहलाया जाएगा। लायन क्या कहलाया जाएगा, प्रेडेटर कहलाया जाएगा, प्रेडेटर। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो एक बात ध्यान रखना कि बेटा हर 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 जानवर का एक प्रेडेटर होता है, हर प्लांट का एक प्रेडेटर होता है। ठीक है, कोई ना कोई इसको खाता है। ठीक है, जैसे ग्रास को कौन खा लेता है, काऊ खा लेती है ना, ऐसे ही जो है डियर को लॉयन खा लेता है। अब इंडिया में तो ऐसा सब है, हर जो प्रे है उसका प्रेडेटर है ही 100%। ठीक है, कोई ना कोई उसका प्रेडेटर है ही है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आरिवासम में अगर कोई प्रे है तो उसका प्रेडेटर होगा ही होगा। ठीक है, जैसे हमें जो जैसे लॉयन हमें भी खा लेता है बेटा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, हम लॉयन जो है, हम ह्यूमन जो है लॉयन का, ह्यूमन जो है, ह्यूमन क्या है, प्रे है, और प्रेडेटर कौन है, लॉयन। ठीक है, वो अलग बात है बेटा कि अपन कई बार उल्टा भी हो जाता है, अपन बंदूक निकाल ली अपन ने तो ये उल्टा भी हो जाता है, लेकिन अन्यथा लॉयन जो है प्रेडेटर है, सबसे खतरनाक वाला। ठीक है, लेकिन बेटा इसको अपन लाए थे बाहर से, इस वाटर हाइसेंथ को कहां से लाए थे, बाहर से लाए थे। ठीक है, तो इसको कोई खाने वाला ही नहीं था बेटा, इसको क्या नहीं था, कोई खाने वाला ही नहीं था। ठीक है, इसको कोई खा ही नहीं पाता था इसको, इस प्लांट को। तो बेटा इसको कोई जो है, इसकी पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही थी, उसको कोई रोक नहीं पा रहा था। आरिवासम में ये प्लांट ग्रो ही करता जा रहा था, उसको कोई रोक ही नहीं रहा था। ठीक है, कोई इसको काट नहीं रहा था, कोई इसको मार नहीं पा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी, इसलिए ये बहुत फैलता जा रहा था, इसलिए इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि इसको कोई खाने वाला नहीं था, क्योंकि इसका कोई प्रेडेटर नहीं था। क्या लिखोगे, इस प्लांट का, मैं एडिशनल नॉलेज दे रहा हूं आपको। ठीक है, इससे छुटकारा पाना क्यों मुश्किल हो गया था,
क्योंकि इसका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं था, नेचुरल प्रेडेटर, नेचुरल प्रीडेटर, ठीक है, नेचुरल प्रेडेटर नहीं था, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये बेटा अब जो है अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ चुके हैं, ठीक है, अब अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, सारा का सारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, और अभी इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें लेकिन एक क्वेश्चन आता है, पहले इसको कर लेते हैं अपन, ठीक है। जो क्वेश्चन आते हैं, देखो एक क्वेश्चन क्या आता है आप में, सुनना ढंग से, कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, सुनो पहले पढ़ते हैं, देखो कुछ ऐसे प्लांट जो होते हैं जो कि जिनकी जो क्या करते हैं बेटा, अनयूजुअल फ्लावरिंग करते हैं। अनयूजुअल फ्लावरिंग क्या होता है कि भैया जनरली आप देखते होंगे कि हर साल एक पौधे में जो है फ्लावर आते हैं, लगभग हर साल आते हैं, है ना, आपने देखा होगा कि जैसे ही जो है वसंत के ऋतु, सुनी होगी वसंत ऋतु आती है तो सब में जो है फ्लावर आने चालू हो जाते हैं प्लांट्स के अंदर, देखा होगा तुमने, ठीक है, एक सीजन होता है उस फ्लावर में, उस टाइम पर जो है फ्लावर करता है प्लांट्स। लेकिन क्या हुआ, ये तो जनरल पैटर्न था, लेकिन जो है अपन सुनो, ठीक है, लेकिन जो है कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनका अपन को अनयूजुअल फ्लावरिंग देखने को मिलती है, ठीक है, अनयूजुअल बिल्कुल, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल बता रहा आपको, सुनना ढंग से, ठीक है, बंबू में जो है फ्लावरिंग देखने को मिलती है 50 से 100 साल। बंबू जो स्पीशीज है, समझना, बंबू जो जो बंबू देखा होगा ना आपने बेटा, बंबू प्लांट देखा है किसी ने, बंबू प्लांट, पांडा खाता है बंबू, बड़े बड़े होते हैं बंबू, है ना, बैम्बू, ठीक है, तो वो जो बैम्बू प्लांट है ये क्या करता है, पूरे अपने जीवन काल में, लाइफ टाइम, लाइफ टाइम यानी जीवन काल, अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही फ्लावर करता है, सिर्फ एक बार जिंदगी में एक बार फ्लावरिंग करेगा, और वो भी कब करेगा, 50 100 जब वो जी लेगा, ठीक है, जैसे उसकी 50 से 100 साल जीता है लगभग, लगभग बैम्बू प्लांट कितना जीता है, 50 से 100 साल के बीच में, मैंने एक एवरेज ले लिया 75 साल, मान के चलो एवरेज ले लिया, एक बैम्बू प्लांट है 75 साल, ठीक है, तो 74 साल का जब वो हो जाएगा, 74 साल का जब वो हो जाएगा, ठीक है, जब 74 साल का हो जाएगा तो वो स्टार्ट करेगा फ्लावरिंग करना, ठीक है, वो अब प्रिपरेशन करेगा फ्लावरिंग करने की, और जैसे ही 75 साल का आ जाएगा, हो जाएगा, तो ये जो है बंबू प्लांट फ्लावरिंग कर लेगा अपने अंदर, क्या कर लेगा, जैसे ही 75 साल का हो जाएगा, मरने वाला होगा, तो अपने अंदर क्या कर लेगा, फ्लावरिंग कर लेगा, इस तरीके से फ्लावरिंग कर लेगा, और फिर ये ना जो है प्लांट जो है ये मर जाएगा बेटा, ये प्लांट क्या हो जाएगा, फिर ये डेथ हो जाएगी इस प्लांट की। तो बेटा ये कुछ कुछ अनयूजुअल है, अलग है, अनयूजुअल का मतलब होता है अलग होना, कुछ अलग चीज आपको देखने को मिली, ठीक है सर, अलग अलग कैसे है सर, अलग कैसे है ये प्लांट, बंबू प्लांट अलग कैसे है बेटा, बंबू प्लांट जो है अलग इसलिए है क्योंकि बेटा समझ गए, नॉर्मल प्लांट्स जो होते हैं हर वसंत वसंत ऋतु आती है, सुना होगा आपने, है ना, तो हर जो है स्प्रिंग सीजन में जो है जो ये है फ्लावरिंग होती है हर हर साल लगभग लगभग प्लांट्स में, है ना, अलग अलग प्रकार के प्लांट्स भी होते हैं, मैं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन जो है स्प्रिंग सीजन में जनरली जो प्लांट्स है फ्लावरिंग करते हैं हर साल, लेकिन जो है ये अलग ही प्लांट था, ये सिर्फ जिंदगी में एक बार फ्लावरिंग करता है, जिंदगी में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करेगा जिंदगी में, ठीक है, और जब फ्लावरिंग कर देगा तो तब ये मर जाएगा, समझ जाना बेटा, जब भी इस बैम्बू प्लांट में फ्लावरिंग हो गई ना, जब भी इस बैम्बू प्लांट में फ्लावरिंग हो रही तो इसका मतलब वो मरने वाला है बेटा, ठीक है, वो लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर प्रोड्यूस करेगा, फ्रूट प्रोड्यूस करेगा, और फिर जो है मर जाएगा बेटा, फ्लावर प्रोड्यूस करेगा, फ्रूट प्रोड्यूस करेगा, और फिर उसके बाद मर जाएगा, डाई हो जाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, चल ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया, विच प्लांट शो अनयूजुअल फ्लावरिंग पैटर्न्स, ठीक है, तो एक तो होगा बंबू प्लांट और दूसरा होगा बेटा स्ट्रोबिलेंथस कुंतियाना, क्या बेटा कौन सा प्लांट होगा, स्ट्रोबिलेंथस कुंतियाना, ठीक है, ये देखो बेटा बंबू प्लांट जो है, ठीक है, ये बंबू के फ्लावर है, मैंने बंबू प्लांट तो आपको दिखाया था, ठीक है, आपको फ्लावर के दर्शन नहीं हुए थे, है ना, तो बेटा ये देख लो बंबू प्लांट के फ्लावर कुछ इस तरीके के दिखते हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे व्हाइट कलर के कुछ इस तरीके के फ्लावर दिखते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये फ्लावर है बंबू प्लांट के, ये वाले, ठीक है, चलो, और ये वाले कौन से फ्लावर है सर, बेटा ये नील कुरंजी प्लांट है, ये कौन सा प्लांट है, नील कुरंजी, चलो अब देखो सुनते जाना, अब अपन बात करते हैं इसकी बेटा, ठीक है, एक दूसरा प्लांट लेते हैं जिसका नाम है स्ट्रोबिलेंथस कुंतियाना, बेटा ये बायोलॉजी का नाम है बेटा, बायोलॉजिकल नेम है,
ये क्या है बेटा, बायोलॉजिकल नेम है, ये आपको याद करना पड़ेगा, याद कर लो यहीं पर। स्ट्रॉ, स्ट्रॉ बिलेंथस, बिलेंथस, बिल एंथस, कुन थियाना, कुन थियाना, ठीक है ठीक है। तो ये आपका जो है स्ट्रॉ बिलेंथस, स्ट्रॉ बिल एंथस, कुन थियाना, ठीक है। इसे अपन नीलकुरंजी भी कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, नीलकुरंजी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं नीलकुरंजी, तो बेटा समझना इसका लगभग लगभग, नील का मतलब क्या होता है बेटा, नील का मतलब क्या होता है लगभग लगभग बेटा, ब्लूइश, ठीक है, ब्लू, ब्लूइश कलर है ना। तो इसके फ्लावर जो होंगे लगभग लगभग कैसे होंगे, ब्लू कलर के होंगे, कैसे कलर के होंगे, लगभग लगभग ब्लू कलर के होंगे, इसलिए इसका नाम जो है, ठीक है। अब देखो, अब क्या ये स्ट्रॉबलेंथस कुंडिया ना, वो क्या कहते हैं, नीलकुरंजी कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, नीलकुरंजी कहते हैं, नीलकुरंजी, ठीक है। आदिवासी समय में क्योंकि इसका फ्लावर क्या होता है, ब्लूइश कलर का फ्लावर होता है, इसलिए इसका नाम जो है अपन क्या कहते हैं, नीलकुरंजी, नील फूल धारण करने वाला वृक्ष, नील, नीलकुरंजी, ठीक है। और बेटा ये अब ये भी अनयूजुअल फ्लावरिंग पैटर्न है, इसका भी अलग ही फ्लावरिंग करेगा, अलग ही फ्रूटिंग करेगा, अलग ही टाइम पर। तो बेटा ये 12 साल में करता है फ्लावर, क्या करता है बेटा ये 12 साल में फ्लावर करता है, ठीक है, क्या करता है ये 12 साल में, ठीक है। तो ये बारहमासी फ्लावर, बारहमासी हो गया बेटा, बारहमासी प्लांट हो गया, बारहमासी बेटा वो बारहमासी, ये वो प्लांट अलग होता है, ये अलग प्लांट होता है। ये नीलकुरंजी जो है ये 12 साल में फ्लावरिंग करता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। 12 साल बाद, हर 12 साल बाद ये फ्लावरिंग करेगा, ठीक है, हर 12 साल बाद, हर 12 साल बाद। लोग एक एक, लोग जो जो प्लांट्स होते हैं एक एक साल बाद फ्लावरिंग करते हैं, ठीक है, कुछ 6 महीने के बाद भी करते हैं, लेकिन ये 12 साल बाद, बड़ा खतरनाक है। लेकिन बेटा जब फ्लावरिंग करता है ना, तो उसका बैंड बेटा फिर वो केरला को, ठीक है, और फिर कर्नाटका को और तमिलनाडु को बेटा स्वर्ग जैसी बना देता है, पूरा का पूरा ब्लू कलर का फ्लावर है, पूरी की पूरी ब्लू कलर की पूरी ऐसे जो ट्रैक्स हैं इस तरीके के, देखो ये ब्लू कलर का ऐसे फ्लावर है, तो ये पूरा का पूरा जो है ये ब्लू और ये पिंक, ब्लू और पिंक कलर के में ऐसे पूरा फैल जाता है ऐसे तरीके से, पूरा का पूरा, ठीक है ठीक है, ये पूरा का पूरा ऐसे पूरी की पूरी ये फ्लावरी फ्लावर पूरा का पूरा इस तरीके से फ्लावरी फ्लावर जो है फैल जाता है पूरा का पूरा, ठीक है, पूरा का पूरे जो हिल्स हैं, किस किस के, याद कर लेना बेटा, इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है, आपके एमसीक्यू में, के केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु बेटा, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु बेटा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, केकेटी बेटा, केकेटी, ठीक है, केकेटी, ठीक है, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु, ठीक है, इन तीनों के जो हिली एरियाज हैं, जो हिल्स हैं, उनको इस तरीके से कवर कर लेता है, जैसे मैं आपको बताऊं। ये तो खैर ये पूरा ब्लू कलर का होगा, ये बात ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना इससे, ठीक है। तो ये ऐसे जैसे इस फ्लावर में ये है, वैसा वैसे करके पूरा ब्लू फ्लावर में ऐसे ये फैल जाएगा, ठीक है, हिल्स को कवर हो जाएंगे, ठीक है, आर्यवासन में पूरे पूरे ब्लू ब्लू स्ट्रेचेस ऐसे फैल जाएंगे। और बेटा इसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं केरला में, ठीक है, बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं केरला में, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। कब इसने फ्लावरिंग करी थी बेटा, कब इसने फ्लावरिंग करी थी बेटा, सेप्टेम्बर अक्टूबर 2006 में फ्लावरिंग करी थी, सेप्टेम्बर अक्टूबर 2006 में फ्लावरिंग इसने करी थी बेटा, ठीक है। फिर उसके बाद कब फ्लावरिंग करी होगी, फिर उसके बाद इसने कब फ्लावरिंग करी होगी बेटा, देखो 2006 में के बाद इसने कब फ्लावरिंग करी होगी, 2018 में, ठीक है, 12 साल जोड़ दो इसमें बेटा, तब करी होगी 2018 में इसने फिर फ्लावरिंग करी, ठीक है। अब ये फिर 12 साल बाद फिर फ्लावरिंग करेगा, ठीक है, तो हमने जो है इसको 2018 में भी फ्लावरिंग करते हुए देखा था, लेकिन उस वक्त जो है ज्यादा टूरिस्ट नहीं आ पाए थे क्योंकि बहुत ज्यादा रेनफॉल हो रही थी उस टाइम पर, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, ये बहुत ज्यादा टूरिस्टों को, कब कब फ्लावर किया था इसने, सेप्टेम्बर से अक्टूबर के बीच में फ्लावरिंग करता है बेटा, ठीक है, कब करता है ये फ्लावरिंग, सेप्टेम्बर से अक्टूबर के फ्लावर के बीच में, ठीक है। इस ये पूरा का पूरा ब्लू ब्लू हो जाता है, पूरा का पूरा हिल जो है पूरा का पूरा हिल ऐसे ब्लू कलर का हो जाता है बेटा, ऐसे हिल जो होता है ना पूरा का पूरा ब्लू कलर से ऐसे ढक जाता है ब्लू कलर के फ्लावर से, ठीक है। तो ये इससे जो है बहुत सारे टूरिस्ट बाहर से आते हैं बेटा, रहे इसको, इस चीज को देखने के लिए, इतने ब्यूटीफुल नजारे को, ठीक है, हर 12 साल बाद, ठीक है, चलो क्लियर है बात। इससे बहुत ज्यादा इनकम होती है, ठीक है, इंडियंस को बहुत ज्यादा इनकम होती है, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु को बहुत ज्यादा इनकम होती है, ठीक है, चलो ठीक है। एक नई बात सुनो, क्या बोल रहा हूं, बंबू जो है, बंबू जो है
50 से 100 साल के बीच में एक बार फ्लावरिंग करेगा और जब भी फ्लावरिंग करेगा मर जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, बंबू जो है जिंदगी में अपनी एक बार फ्लावरिंग करेगा वंस, और जब भी फ्लावरिंग करेगा मर जाएगा। लेकिन स्टॉप लेंथस कुंतियाना मरता नहीं है, ऐसे नहीं मरता। वो क्या करता है, 12, ऐसा नहीं होता कि उसने, वो क्या करता है 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्लावरिंग करने के बाद मर जाए, ऐसा नहीं है। फिर 12 साल होने दो, फिर उसके बाद फ्लावरिंग करेगा। अरे समय में ये मरता नहीं है, स्टॉप लेंथस कुंतियाना 12 साल बाद मरता नहीं है। लेकिन बैम्बू जो है 50 से 100 साल के बाद जो है कभी भी जो है लुढ़क सकता है, फ्लावरिंग करके लुढ़केगा, कहेगा मर तो रहा ही हूँ, फ्लावरिंग करके ही मरता हूँ, बस इसका ये है। और ये कहता है भैया मेरी तो इच्छा है मैं 12 साल के बाद ही फ्लावरिंग करूंगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता मैं, सिर्फ 12 साल के बाद ही फ्लावरिंग करूंगा। ये आपकी नई बात। दूसरी बात, ये कहाँ पर उगता है वाला स्टॉप लेंथस कुंतियाना प्लांट, केकेटी में, याद रखना, केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु, याद रखना साउथ में बेटा, साउथ में उगता है, याद आ जाएगा। साउथ में कौन कौन से शहर है, केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है। कौन से कलर के फ्लावर है इसके, स्टॉप लेंथस कुंतियाना के, ब्लू कलर के, ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है ये बात। चल ठीक है, टॉपिक क्या आता है बेटा, रिप्रोडक्टिव साइकल्स इन एनिमल, ठीक है। अब क्वेश्चन इसमें कैसे पूछा जाएगा, सुन लो ढंग से, ठीक है। देखो रिप्रोडक्टिव साइकल्स इन एनिमल्स, ठीक है, देखो कुछ कुछ एनिमल्स में क्या होता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन एनिमल इज सीजनल, ठीक है। रिप्रोडक्शन जो होती है एनिमल में, ये क्या होती है, सीजनल वाइज होती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जो बर्ड्स हैं वो एक पर्टिकुलर सीजन में अंडे देती हैं, ठीक है। आपने ये देखा होगा कि कुत्ते जो होते हैं, डॉग्स जो होते हैं, ज्यादातर विंटर सीजन में जो है डॉग जो होते हैं कब देते हैं बेटा बच्चे, जो उनके पप्पी देते हैं, जो बच्चे देते हैं कब देते हैं, जनरली आपने देखा होगा डॉग जो है विंटर सीजन में देते हैं बच्चे, देखा है आपने, जनरली ऐसा ही होता है बेटा, वो विंटर सीजन में बच्चे देते हैं डॉग्स, है ना, बच्चे अपने, ठीक है। तो ऐसे बेटा जो दूसरे एनिमल्स हैं उनकी जो लाइफ, जो बच्चे देते हैं वो सीजनली बच्चे देते हैं। अच्छा ह्यूमंस भी बच्चे सीजन में देते हैं क्या, क्या ह्यूमन एक सीजनल एनिमल है क्या, बताओ क्या ह्यूमन एक सीजनल एनिमल है क्या, कोई बता सकता है इसको, क्या ह्यूमन एक सीजनल एनिमल है, नहीं ह्यूमन एक सीजनल एनिमल नहीं है। ह्यूमन बेटा कभी भी बच्चे दे सकता है, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, ठीक है, कभी भी बच्चे दे सकता है बेटा, कभी भी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आ रही बात समझ में, चलो अब ये बात ध्यान रखना। सिर्फ जो है सुनो, रिप्रोडक्शन के दौरान क्या परफॉर्म होती है, सेक्सुअल एक्टिविटी, क्या परफॉर्म होती है बेटा रिप्रोडक्शन के दौरान, सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म होती है, ठीक है। सिर्फ ह्यूमन, ठीक है, सिर्फ ह्यूमन, ह्यूमन और डॉल्फिन, एक बात बताना चाह रहा हूं आपको, ह्यूमन और डॉल्फिन ऐसे जानवर हैं, ऐसे एनिमल्स हैं, ठीक है, जो सेक्सुअल एक्टिविटी है, या जो कहो रिप्रोडक्शन है, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन है, बच्चे पैदा करने हैं, ठीक है, यार जो है, या जो सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो किस लिए परफॉर्म करता है, एंजॉयमेंट के लिए, ठीक है, वो किस लिए परफॉर्म करता है, एंजॉयमेंट के लिए। अन्यथा बाकी सारे जानवर जो होते हैं, ठीक है, जैसे डॉग हुआ, ठीक है, जो भी उस इंसेक्ट्स हुई, ठीक है, उनको क्या करना होता है, उनका मेन मोटिव क्या परफॉर्म होता है, इंसेक्ट को अगर सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो उसका मेन मोटिव क्या होगा, सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो मेन मोटिव क्या होगा उसका, बच्चे पैदा करना, ऑफस्प्रिंग पैदा करना, बच्चे पैदा करना, ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक बात मैं ऐसी जनरल बात बता रहा हूँ, पूछी जा चुकी थी ये, ठीक है। तो ह्यूमंस और डॉल्फिन ही जो है रिप्रोडक्शन का कई बार इस्तेमाल जो है, या सेक्सुअल एक्टिविटी का जो कई बार इस्तेमाल जो है, ये एंजॉयमेंट के लिए भी करते हैं, ये आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। आ रही बात समझ में, चलो ये जो है एक जनरल क्वेश्चन है, ठीक है, अब सुनो, चलो ये अब सुनो, ये बात हो गई क्लियर। अब दूसरी बात सुनो, बुक में नहीं लिखी ये बात, लेकिन ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब ये देखो, अब क्या होता है, ये जो होते हैं, ये जो अगर अपन बात करें, जो फीमेल जो होती है, जो एनिमल होते हैं, प्लेजेंटल एनिमल्स जो होते हैं, या प्लेजेंटल एनिमल्स लिखो या ह्यूमंस का हो, बताऊंगा क्यों, ठीक है, ह्यूमंस का हो, उनमें क्या होता है, उनमें जो बच्चे पैदा होते हैं वो किसकी वजह से होती है, ठीक है, वो किसकी वजह से होता है, फीमेल की वजह से, ठीक है। फीमेल में
फीमेल फीमेल में और मेल में जो जैसे स्पर्म जो होते हैं, समझना इस बात को, स्पर्म जो होते हैं लगातार प्रोड्यूस हो रहे होते हैं मेल में, मेल में बेटा स्पर्म लगातार प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, लगातार मेल जो है लगातार स्पर्म प्रोड्यूस करता है। लेकिन फीमेल बेटा एक बात ध्यान रखना, फीमेल जो है अपना एग जो है वो कब प्रोड्यूस करती है, सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के, 1 महीने में एक बार, ठीक है ये बात ध्यान रखना, फीमेल जो है अपना एग कब प्रोड्यूस करती है, सिर्फ 1 महीने में एक बार, ठीक है ये बात ध्यान रखना। आ रही बात समझ में, क्या बोला मैंने, जो ये प्लेजेंटर एनिमल्स हैं, ये ह्यूमंस हैं या ये फीमेल हैं, वो 1 महीने में एक बार अंडा प्रोड्यूस करती है, 1 महीने में एक बार ही अंडा प्रोड्यूस करेगी, एग प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। लेकिन जो है स्पर्म का प्रोडक्शन लगातार हो रहा होता है, हर दिन प्रोडक्शन होता है स्पर्म का, ये बात ध्यान रखना, क्लियर है ये बात। मैंने कि फीमेल्स में अभी पढ़ेंगे अपन, ठीक है, फीमेल्स में, फीमेल में एग का बनना, फीमेल में क्या बनता है एग, फीमेल में क्या बनता है, फीमेल में 1 महीने में एक बार क्या बनता है, एग बनता है, ठीक है। ये स्पर्म किसमें बनता है, मेल में बनता है, ठीक है। तो ये जो है इसमें ये दोनों के दोनों, जो स्पर्म का प्रोडक्शन मेल में स्पर्म बनता है या फीमेल में अंडा बनता है, वो किस पर डिपेंड करता है, हॉर्मोन्स के लेवल पर, ठीक है ये बात ध्यान रखना। अगर हॉर्मोन्स का लेवल कम होगा मेल में, पढ़ोगे अभी डिटेल में टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन वगैरह, तो बेटा जो है स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाएगा अगर कम हॉर्मोन होंगे तो। ज्यादा हॉर्मोन होंगे तो ज्यादा जो है प्रोडक्शन होगा किसका, स्पर्म का, ये बात ध्यान में रखना। हॉर्मोन कौन से होते हैं बताऊंगा, ठीक है बाद में बताऊंगा, टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन हॉर्मोन होता है, ठीक है, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल्स में ईस्ट्रोजन होता है, ठीक है। ये अपन आगे पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर में, चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब जो अपन इसमें पढ़ने जाएंगे बेटा, अब जो अपन इसमें क्या पढ़ेंगे, समझना इस बात को, अब जो है अपन इसमें पढ़ेंगे ईस्टस साइकिल बेटा, क्या पढ़ेंगे, ईस्टस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है दो साइकिल अपन इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अपन लैंग्वेज पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, वॉट इज डिफरेंस बिटवीन ईस्टस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, वॉट इज डिफरेंस बिटवीन ईस्टस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, वॉट आर सीजनल ब्रीडर्स एंड कंटिन्यूअस ब्रीडर्स, दो क्वेश्चन बनेंगे इसमें। क्या बताया, क्या क्या क्वेश्चन, वॉट इज डिफरेंस बिटवीन, पहला क्वेश्चन ईस्टस साइकिल, एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल बेटा पूरी पूरी एक बहुत डिटेल में आएगी आपको, कब, थर्ड चैप्टर में, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है और सेकंड क्या आएगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सीजनल ब्रीडर, सीजनल ब्रीडर एंड कंटिन्यूस ब्रीडर, कंटिन्यूस ब्रीडर, आ रही बात समझ में, चलो ये आपके एक क्वेश्चन ऐसे आएगा। ठीक है सीजनल ब्रीडर और कंटिन्यूअस ब्रीडर, सुनो देखो, अब ईस्टर साइकिल क्या होती है इस बात को समझना बेटा, ईस्टर साइकिल किसमें होती है, जो सी मैंने बताया था दो जानवर होते हैं, एक होते हैं सीजनल जो सीजन में ब्रीड करते हैं एक पर्टिकुलर, जैसे डॉग और, इसका याद है आपको एग्जांपल, डॉग और बर्ड वगैरह, डॉग बर्ड है ना, अभी और भी एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ठीक है। तो डॉग और बर्ड जो एक है सीजनल ब्रीडर है, ठीक है, सीजन में एक पर्टिकुलर सीजन में ब्रीड करेंगे, जबकि कंटिन्यूअस ब्रीडर कौन से होते हैं, ह्यूमंस वगैरह है ना, जो कंटिन्यूअसली ब्रीड करते हैं, काय का बारिश ब्रीड कर सकते हो, रिप्रोड्यूस कर सकता है ह्यूमन,
काय की गर्मी रिप्रोड्यूस कर सकता है, कुछ मतलब नहीं है उसको, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलो अब सुनो, ये क्या कहलाए जाते हैं, ये किन में होता है, ईस्टर साइकिल किस में होती है, ये बात ध्यान रखना, ये होती है नॉन प्राइमेट्स में, ये किस में होती है, नॉन प्राइमेट्स, और मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होती है, प्राइमेट्स में। अंदर समझते जा रहे हो ना, क्या लिखोगे, ईस्टर साइकिल टेक्स प्लेस इन नॉन प्राइमेट्स एनिमल, ठीक है, ईस्टर साइकिल टेक्स प्लेस इन नॉन प्राइमेट्स एनिमल, जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल टेक्स प्लेस इन प्राइमेट्स। अब सर ये प्राइमेट्स क्या होता है, नॉन प्राइमेट्स क्या होता है, पहले तो आप ये बताओ, बाकी बाद में करना। बेटा सुनो, नॉन प्राइमेट्स वो होते हैं जिनमें थोड़ा जो है जो ब्रेन है वो कम डेवलप होता है, वो क्या होता है, जिनमें ब्रेन क्या होता है, कम डेवलप होता है, थोड़ा कम डेवलप होता है, उन्हें जो है प्राइमेट्स की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है, ब्रेन कम डेवलप, और नॉन प्राइमेट्स की कैटेगरी में रखते हैं। और जिनका ब्रेन जो है ज्यादा डेवलप रहता है, ठीक है, जिनका ब्रेन क्या रहता है, ज्यादा डेवलप रहता है, ठीक है, ब्रेन क्या रहता है, डेवलप ज्यादा रहता है, ठीक है, उनको अपन प्राइमेट्स कहते हैं, ठीक है। तो जैसे सबसे ज्यादा अपन सबसे कहते हैं सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी कौन है, अपन ह्यूमंस, अपन क्या ह्यूमंस क्या है बेटा, प्राइमेट्स हैं, क्योंकि अपना ब्रेन जो है बहुत डेवलप रहता है। अच्छा ह्यूमंस का ब्रेन डेवलप रहता है तो बेटा ह्यूमंस के पूर्वज का भी तो ब्रेन डेवलप रहेगा, ह्यूमंस के पूर्वज का भी तो ब्रेन डेवलप रहेगा। अच्छा तो ह्यूमंस के पूर्वज कौन है, ह्यूमंस के पूर्वज कौन है, सर मंकी वगैरह, एप्स वगैरह। हाँ बेटा मंकी जो है, एप्स जो है, मंकीज जो है, वो क्या कहलाएंगे, वो जो पूर्वज है उनका भी ब्रेन क्या रहेगा, डेवलप रहेगा, ये क्या रहेगा, उनका भी ब्रेन क्या रहेगा, डेवलप रहेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। ईस्टर साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल ये एक प्रकार की रिप्रोडक्टिव साइकिल है, ये बात ध्यान रखना। क्या बोला मैंने, ईस्टर साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, एक प्रकार की रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है बेटा, रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है, इसका मतलब सर इससे इसके थ्रू रिप्रोडक्शन होगा, क्या होगा बेटा, रिप्रोडक्शन होगा, बच्चा पैदा होगा बेटा इन साइकिल के थ्रू, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें होती है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें होती है, ह्यूमन की फीमेल में होती है, ह्यूमन की फीमेल में होती है, ह्यूमन की फीमेल में होती है, ठीक है, ह्यूमन फीमेल में होती है, और उसी के थ्रू क्या होता है, फिर बच्चा पैदा होता है या रिप्रोडक्शन होता है, ये बात ध्यान रखना। तभी इसे अपन क्या कह रहे हैं, रिप्रोडक्टिव साइकिल कह रहे हैं। एक एक लाइन एक एक वर्ड क्लियर करते जाना बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपन क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव साइकिल इसे कहते हैं, ठीक है, आ रही बात समझ में, ठीक है। अब सुनते जाना सर, प्राइमेट्स में कौन कौन आता है बेटा, जो जिनको जिनको अपन जो है जो इनमें कम थोड़ा दिमाग है, जैसे काउ, डॉग, रैट, टाइगर वगैरह, है ना, अभी अपन देखेंगे, ठीक है। और ईस्टर साइकिल किस किस में होती है, इन लोगों में होती है, और बेटा ये एक पर्टिकुलर सीजन में रिप्रोड्यूस करते हैं, एक स्पेसिफिक सीजन में रिप्रोड्यूस करते हैं, कब करते हैं ये रिप्रोड्यूस, एक स्पेसिफिक सीजन में ही रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक सीजन में रिप्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इन्हें अपन क्या कहते हैं, सीजनल ब्रीडर कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं इन्हें, सीजनल ब्रीडर कहते हैं, ब्रीड करने वाले, ब्रीडर का मतलब होता है रिप्रोड्यूस करना, बच्चे पैदा करना, ब्रीडर, ठीक है, ब्रीड करना, रिप्रोड्यूस करना, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये सीज एक पर्टिकुलर सीजन में ये रिप्रोड्यूस करते हैं, ब्रीड करते हैं, ठीक है, ब्रीड करते हैं, मेट करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, आरी बात समझ में, ब्रीड का मतलब रिप्रोड्यूस करना, ठीक है, चलो चलो आरी बात समझ में। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं बेटा, इनमें आते हैं प्राइमेट्स जैसे मंकी, एप्स, ह्यूमंस, ठीक है, ठीक है, ये जो होते हैं लगातार रिप्रोड्यूस करते रहते हैं, लगातार लगातार क्या करते हैं, ये एक्टिवली रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द फेज, एक्टिवली क्या करते हैं, थ्रू आउट द ईयर लगातार रिप्रोड्यूस करते रहते हैं, ठीक है, नॉन स्टॉप लगातार रिप्रोड्यूस करते रहते हैं एक्टिवली, ठीक है, ठीक है, इनका ये सीजन पर डिपेंड नहीं करते बेटा, ये कोई सीजन पर डिपेंड नहीं करते, चलो आज बरसात का मौसम है, चलो बच्चे पैदा हुए बरसात के मौसम में, ठीक है, कभी भी हो जाता है बच्चा यहाँ पर, ठीक है, चलो ये आपको ये हो गया आपका ईस्टर साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, क्लियर हो गया बेटा आपको। अब सुनो ढंग से, मैं क्या क्या डिफरेंस लिखोगे, ईस्टर साइकिल जो है किस में होती है, डिफरेंस क्या लिखोगे, ईस्टर साइकिल किस में होती है, नॉन प्राइमेट्स में, ईस्टर साइकिल किस में होती है, नॉन प्राइमेट्स में, मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होती है, प्राइमेट्स में, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या लिखोगे सुनना, ईस्टर साइकिल जो होती है किस में होती है, आप ये ईस्टर साइकिल जो होती है वो जो जानवर होते हैं उनको क्या कहते हैं, सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं, जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो जानवर है वो क्या कहलाए जाएंगे, कंटिन्यूअस ब्रीडर कहलाए जाएंगे। उसके बाद इसका एग्जाम्पल लिखना, क्या लिखोगे कि ये जो है एग्जाम्पल लिखना, डॉग, बर्ड वगैरह, है ना, इसका एग्जाम्पल लिखना, ह्यूमन, मंकी, एप्स वगैरह, ठीक है, ये आप उसके एग्जाम्पल लिखना। चौथी लाइन क्या लिखोगे,
ये जो एनिमल है रिप्रोड्यूस करते हैं एक स्पेसिफिक सीजन में, ये क्या करते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं एक स्पेसिफिक सीजन में, ठीक है, जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल इसमें क्या लिखोगे, रिप्रोड्यूस एक्टिवली एक्टिवली थ्रू आउट द सीजन या थ्रू आउट द ईयर, ऐसा लिख सकते हो, रिप्रोड्यूस एक्टिवली थ्रू आउट द ईयर लिख सकते हो, या रिप्रोड्यूस एक्टिवली थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है, आदिवासी समय में बच्चे पैदा कर सकता है पूरे सीजन पूरे ईयर में, ठीक है, रिप्रोड्यूस एक्टिवली क्या लिखोगे, रिप्रोड्यूस एक्टिवली थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब इसके अपन जो है ट्रिक देख लेते हैं, ठीक है, अब इसकी थोड़ी अपन ट्रिक देख लेते हैं, ठीक है। देखो ट्रिक क्या रहेगी इसकी, भाई आपको मैं बात बताऊं, सिंपल सी ट्रिक है ये, ज्यादा कोई कठिन नहीं है, ठीक है, और ट्रिकों की मतलब ये जो है सिंपल सी, रेड काउ क्या होता है, बस इसका मकसद ये है इस ट्रिक का कि अपन जो है ज्यादा याद नहीं रख पाते, ठीक है, काउ का कैट लिख के आते हैं, कई बार मैंने देखा है काउ का लोग जो है कैट करे आते हैं, याद नहीं होते, वो तो ऐसे याद कर लेते हैं कि जो जानवर जो ह्यूमंस के आसपास जो जानवर रहते हैं वो ही लिख के आ जाओ, है ना, तो कुछ लिखे आते हैं, ठीक है, तो ह्यूमन के आसपास डॉग रहता है तो चलो ठीक है लिख दिया, कई बार कैट भी लिखे आते हैं तो वहां गलत हो जाता है, ठीक है, कैट मत लिख के आना। तो बस कैसे याद करने के लिए एक मैंने ट्रिक बना रखी है सिंपल सी, इसके लिए रात को टाइगर से डरा डॉगी, ठीक है, आप ऐसे याद करोगे तो सब आपको याद रहेगा, ठीक है, रात यानी रात विद रेट, ठीक है, रात को बेटा, ठीक है, आप सब जानते होगे ना कि बेटा टाइगर जो होता है, टाइगर बेटा सब थूफार होता है, बड़ा होता है, बिग कैट है ये, है ना, ठीक है, तो ये बिग कैट से बेटा जो है डॉगी डरता है कि नहीं डरता, टाइगर से डरता है कि नहीं डॉगी, ठीक है, तो ऐसे ये कहानी समझ लो कि टाइगर आ रहा था, ठीक है, फॉरेस्ट से होता हुआ, ठीक है, और वहां का जो वहां पर जो डॉगी वगैरह जो था वो डर गया बेटा उसको देख करके, बच्चा है उसके सामने, टाइगर कभी भी खा जाएगा उसको, है ना, तो रात का टाइम था, रात को टाइगर से डरा डॉगी, ये आपकी ट्रिक रहेगी बेटा, इससे आपके सारे के सारे याद रहेंगे, कोई ज्यादा आ जाए या क्या आ जाए, ठीक है, कोई पूछ ले काऊ क्या है, ईस्टर साइकिल में आती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो आपको याद रहेगा को यानी आ गया ना काऊ, ठीक है, तो रात यानी रेट, ठीक है, चूहा बेटा, को यानी काऊ, काऊ यानी तो सब जानते होंगे बेटा, है ना, ठीक है, और टाइगर यानी टाइगर, ठीक है, से यानी शीप, ऐसे याद रखना, से शीप याद रखना, डरा यानी डियर बेटा, डियर, ठीक है, वैसे भी डियर हमेशा ही डरता रहता है, सबसे डरता फिरता है बेटा, लॉयन से भी टाइगर से भी, है ना, तो ये बात ध्यान रखना, घास खाता है और वो डरता रहता है, ठीक है, तो डरा से याद रखना डियर, डॉगी से तो बेटा डॉग याद ही रहेगा बेटा, है ना, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, चलो, तो रात को टाइगर से डरा डॉगी, ठीक है, दिन में नहीं डरा, रात को डरा, ठीक है, तो ये आपकी ट्रिक हो गई, ठीक है, और जिनको ये ट्रिक पहले से मालूम है, मैंने बताई थी शायद पहले भी ये, तो एक बार वो अच्छे से याद कर ले, भूल ले नहीं, बार बार ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल सर होती है प्राइमेट्स में, है ना, प्राइमेट्स में कौन आते हैं, जिनके पास दिमाग होता है, क्या होता है, जिस जिनके पास दिमाग होता है, ठीक है, या जिनका जो ब्रेन है वो जो है ज्यादा अच्छे से अच्छा है, ठीक है, जिनके पास क्या होता है अच्छा दिमाग होता है, ब्रेन जो है ज्यादा डेवलप होता है, ठीक है, ब्रेन किसका डेवलप होता है बताओ, ब्रेन किसका डेवलप होता है, ह्यूमन एप्स और मंकी का, ठीक है, ह्यूमन का एप्स और मंकी का क्या होता है, ब्रेन डेवलप होता है, ठीक है, आर्यवा समय में सर गोरिल्ला वगैरह किसमें आता है बेटा, मंकी तो अलग हो गया, मंकी तो जानते हो बंदर बेटा जो अपन देखते हैं, ठीक है, ह्यूमन तो आप जानते ही हो, है ना, ह्यूमन तो अपन है ही ह्यूमंस, ठीक है, एप्स में कौन आता है, एप्स में बेटा गोरिल्ला वगैरह चिंपांजी वगैरह वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे बेटा, गोरिल्ला चिंपांजी, ठीक है, ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है, क्लियर है बेटा ये बात, तो बेटा अगर कोई पूछे मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें होती है तो आप क्या बोलोगे, हम के अंदर होती है, हम में होती है, ठीक है ना, वैसे भी तो ह्यूमंस के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ना, तो आप क्या बोलोगे, हम में होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, याद करने की ट्रिक है बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें होती है, हम में होती है, हम ह्यूमंस में होती है, हम ह्यूमंस में, ठीक है, तो हम एच फॉर ह्यूमंस, ए फॉर एप्स और एम फॉर मंकी, एच फॉर ह्यूमन, ए फॉर एप्स और एम फॉर मंकी, ठीक है, तो ये आपका आज का ये समाप्त हो गया बेटा, ठीक है, आ रही बेटा समझ में, कोई पूछे मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें होती है, हम में होती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, और रात को टाइगर से डरा डॉगी, रेड काउ डॉग, ठीक है, मतलब रात को टाइगर से रेड काउ, ठीक है, रात को टाइगर से टाइगर टाइगर हो गया, ठीक है, डरा यानी डियर हो गया, डॉगी यानी क्या हो गया, डॉगी यानी डॉग हो गया, ठीक है, ये बात, रात को टाइगर से डरा डॉगी, डरा यानी डियर, ठीक है, चलो ऐसे आप इसको याद कर लेना, ठीक है, ये अपन जो है बाद में करेंगे, और सेक्सुअल प्रोडक्शन भी अपन कल, इसको कल सेक्सुअल प्रोडक्शन अपन पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है, कल सेक्सुअल प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, आज अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस करते हैं अब अपन, और फिर जो है देखो एक क्या है, प्रीफिक्स है और एक सफिक्स है, ठीक
एक आपको मैंने क्या दिया हुआ है यहाँ पर, अब अपन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं लैटिन लैंग्वेज, ठीक है, एक जो है अपन चैप्टर से थोड़ा अलग है ये टॉपिक, है ना, ये यूज होगा पूरी पूरी आपकी ट्वेल्थ में, ठीक है। देखो ये क्या होगा, एक होगा प्रीफिक्स, एक होगा सफिक्स, ठीक है, और इसकी हेल्प से आपको जो है एक नया वर्ड बनेगा, इन दोनों को मिला करके एक नया वर्ड बनेगा, क्या बनेगा, इन दोनों को मिला करके एक नया वर्ड बनेगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ का ले लिया बेटा, मैंने यहाँ पर मैंने एक वर्ड ले लिया, जैसे मैं यहाँ पर एक और वर्ड ले रहा हूँ हाइड्रो, मैंने एक वर्ड यहाँ पर ले लिया हाइड्रो, ठीक है, हाइड्रो का मतलब एक और यहाँ पर लिख रहा हूँ हाइड्रो, इसमें क्या लिखा है मायो के बाद, एंटी, एंटी यानी अगेंस्ट, एंटी यानी सर मायो के इक्वल में क्या लिखा है, पैरी यानी अराउंड, पैरी यानी अराउंड, ठीक है। अब सुनो ढंग से, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सुनते जाना, ठीक है, अगर मैंने ये लिखा, ठीक है, अगर मैंने जैसे एक मैं एग्जांपल जो बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, जैसे हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, सब जानते होंगे हाइड्रो का मतलब क्या होता है वाटर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, हाइड्रो वाटर होता है, और मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा इन दोनों को मिला करके, ठीक है, यहाँ पर एक मैंने हाइड्रो वर्ड ले लिया एक आगे का, और एक सफिक्स ले लिया पीछे का, ठीक है, ये मैंने सफिक्स ले लिया फोबिया, ठीक है, आरिवा समय में, और मैंने तो अब मैंने यहाँ पर दोनों को मिला दिया, क्या लिखा मैंने हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, ठीक है। अब मुझे बात बताओ हाइड्रो का मतलब क्या होता है, सर हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और फोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ, फियर ऑफ, ठीक है। तो जब भी मुझे है ना, जो ऐसे ऐसे व्यक्ति, ऐसा इंसान जिसको पानी का क्या है फियर है, उसे अपन क्या कहेंगे, उस इंसान को कहेंगे कि इसको हाइड्रोफोबिया है, क्या उसको पानी का फियर है। जैसे मुझे भी है, रात के टाइम पे मुझे जो है ओशन वगैरह उससे थोड़ा डर लगता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, ठीक है, तो डर के आगे जीत है, मैं तो माउंटेन ड्यूटी लेता हूँ, है ना, तो धीरे धीरे मुझे थोड़ा डर था, अब जैसे जैसे, ठीक है, तो अब उससे मैं क्या कहूंगा, हाइड्रोफोबिया है इसको, क्या है, पानी से डर है। तो अलग अलग डर होते हैं, किसी को एयर से बहुत ज्यादा डर होता है, ठीक है, ये ना अगर कोई नीचे उनकी हार्ट अटैक जैसा होने लगता है, वो नीचे अगर नीचे ऊपर अगर ऊंचाई पे आ जाए तो, है ना, तो अलग अलग फियर होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं चेंज कर दूं वर्ड को, देखो मैं खेल रहा हूँ वर्डों के साथ, और भी खेलूंगा जब आप इनको याद करके आओगे कल, तो और खेलेंगे अपन इनके साथ, ठीक है। जैसे मैंने एक वर्ड ले लिया, ठीक है, जैसे मैंने एक वर्ड ले लिया बेटा, अब मैं हाइड्रो रखता हूँ, हाइड्रो यही रखता हूँ, फोबिया चेंज कर लेता हूँ, फोबिया की जगह मैंने लिख दिया फीलिया, ठीक है, क्या कर दिया मैंने, फोबिया के कर दिया, क्या कर दिया, फीलिया, ठीक है, हाइड्रोफीलिया, ठीक है, फीलिया क्या हो गया, लव ऑफ। तो बेटा जिसको पानी से बहुत प्यार है, उसे कहेंगे कि इसको हाइड्रोफीलिया है यार, इसको पानी बहुत पसंद है, जहां पर भी पानी दिख गया, जहां पर भी बीच दिख गया कूद जाता है वहीं पर, और जहां पर भी पानी दिख गया बीच दिख गया वो हाल कूद जाता है, तो इसे कहेंगे हाइड्रोफिलिया है, इसको क्या है, वाटर से बहुत ज्यादा प्यार है, ठीक है, आरिवा समय में इस तरीके से, ठीक है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, ठीक है, ठीक है, आपको और एग्जांपल देता हूं, ठीक है, दो वर्ड अपन को लेने होते हैं, एक प्रीफिक्स लेना होता है, एक सफिक्स लेना होता है, और फिर खेलना होता है, ठीक है। जैसे मैंने वर्ड ले लिया हेपेटो, ठीक है, हेपेटो वर्ड ले लिया, और मैंने वर्ड ले लिया आइटिस, क्या ले लिया मैंने, हेपेटाइटिस, आपने नाम सुना होगा, आपने एक वर्ड सुना होगा हेपेटाइटिस, नाम सुना है हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस नाम सुना है, तो हेपेट का काय, हेपेट का मतलब क्या होता है, हेपेट का मतलब होता है लिवर, और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, आइटिस का क्या मतलब होता है बेटा, इन्फ्लामेशन, ठीक है। अब ये आप पढ़ोगे, आप में एक चैप्टर है ये बेटा, ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज है ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर 8 है, तो उसमें जो है ये वर्ड लोग बच्चे रटते हैं, हेपेटाइटिस का मतलब क्या होता है, हेपेटाइटिस का मतलब क्या होता है, ठीक है, ऐसे रटते हैं, ठीक है, बता रहा हूं मैं आपको, इन्फ्लामेशन, ठीक है, इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन, इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है, सूजन, ठीक है, सूजन, सूजन हो जाती है ना, फूल जाता है, फूल जाना, सूज जाना, लाल लाल हो जाना, ठीक है, तो उसे कहते हैं इन्फ्लामेशन, ठीक है, स्वेलअप हो जाता है ना लिवर,
ठीक है, फूल जाता है ना, उसे कहते हैं सूजन हो जाना, तो लिवर में इसका लिवर सूज गया है, ठीक है, तो इसे कहेंगे हेपेटाइटिस। ठीक है, ठीक है, मैंने एक बार भी अर्थ लिखा था, ठीक है, अर्थ यानी क्या होता है, मैंने एक अभी वर्ड लिखा था इससे पहले, याद करो, ठीक है, मैंने एक वर्ड लिखा था, जैसे मैंने अभी एक वर्ड याद करो लिखा था अर्थ, अर्थ यानी क्या लिखा था, अर्थ वर्ड लिखा था जॉइंट्स, याद है, अर्थ यानी मैंने क्या लिखा था, जॉइंट्स या फिर, ठीक है, तो अब जैसे अब मैं लिखूं इसको यार अर्थराइटिस है, क्या है इसका, मैंने क्या लिख दिया, अर्थराइटिस है, ठीक है, या जो है हेपेटाइटिस है, या आप जो है कार्डाइटिस, जैसे मैंने एक आपको एक वर्ड ही बताया था, ये छोड़ो, चलो अर्थ भी छोड़ो, अर्थराइटिस भी होता है वैसे, है ना, एक वर्ड और छोड़ो आप, ठीक है, जैसे मैंने आप कार्डियो जो वर्ड होता है, कार्डियो, कार्डियो वर्ड होता है हार्ट के लिए, सब जानते हैं भाई, कार्डियो वर्ड होता है हार्ट के लिए, कार्डियो वर्ड किसके लिए होता है, हार्ट के लिए, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो अब मैं ले रहा हूं यहां पर, अब मैं कार्डाइटिस लिख रहा हूं, क्या लिखूंगा मैं, कार्डाइटिस, ठीक है, ठीक है, कार्डाइटिस, ठीक है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, पहले कार्ड का मतलब क्या होता है, कार्डियो का मतलब क्या होता है, हर्ट, ठीक है, एक वे एक ये वर्ड लिख दिया मैंने, और एक आइटिस ले लिया, एक क्या ले लिया मैंने, आइटिस ले लिया, ठीक है, ये हटा रहा हूं, ठीक है, अब मैंने यहां पर लिखा कार्डाइटिस, तो मैं नहीं पता होगा ये तुम्हारे लिए सच में एक ये वर्ड नया होगा, कार्डाइटिस क्या होता है भाई, कार्डाइटिस तुम्हारे लिए वर्ड नया होगा, लेकिन जो तुम ये वर्ड कहीं पढ़ोगे तो फिर रटोगे, वहां पर लिखा होगा कार्डाइटिस इज द इन्फ्लामेशन इन हर्ट और ये सारी चीजें उल्टा उल्टी सीधी, ठीक है, तुम्हें रटना पड़ेगा, लेकिन तुम अब मेरे स्टूडेंट हो ना, तुम कैसे करोगे भाई, कार्डियो या कार्डियो, कार्डियो या कार्ड किससे रिलेटेड है, ये होता है हर्ट से रिलेटेड है, किससे, हर्ट से रिलेटेड है, और आइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन या सूजन, इन्फ्लामेशन या फिर सूजन, ठीक है, तो जब हर्ट में सूजन आ जाए, हर्ट में स्वेलिंग आ जाए, हर्ट में क्या आ जाए, स्वेलिंग आ जाए, ठीक है, सूजन आ जाए, स्वेलिंग आ जाए, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, हर्ट में अगर स्वेलिंग आ जाए तो, ठीक है, उसे कहेंगे भैया कार्डाइटिस हो चुका है तुम्हें, क्या हो चुका है, कार्डाइटिस हो चुका है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है ये बात, ठीक है, कार्डाइटिस समझ में आ गया, चाहो तो आप ये वर्ड आपके लिए नया होगा, इसका मतलब 100% यही होता है कि हर्ट में इन्फ्लामेशन, ठीक है, चलो इस तरीके से आप याद करके आना कल, और ये याद कर लेना, फिर अपन और ज्यादा इससे खेलेंगे, ठीक है, इन वर्ड्स के साथ खेलेंगे, प्रीफिक्स और सफिक्स के साथ खेलेंगे, ठीक है, चलिए, ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा कि जो बैम्बू का लाइफ स्पैन है वो जो है बैम्बू कितने साल जीता है, ये क्वेश्चन आएगा, या फिर पूछा जाएगा कि बैम्बू कितने टाइम के बीच में फ्लावरिंग करता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो क्या आंसर आएगा इसका, इसका आंसर बेटा, इसका बैम्बू कब फ्लावरिंग करता है, जब वो मर रहा होता है तभी फ्लावरिंग करता है, यानी कितना जी चुका होता है, 50 से 100 साल के बीच में जी चुका होता है, तब जाके वो फ्लावरिंग करता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इसके बीच में ही फ्लावरिंग करेगा और इसके बीच में ही मर जाएगा, जब भी फ्लावरिंग करेगा मर जाएगा, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, तो ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, क्लियर है, देखें किस किस का आंसर जो है, क्वेश्चन क्या है बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल किस किस के अंदर होती है, सर मेंस्ट्रुअल साइकिल सर हम में होती है, हम सर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है हम में, ठीक है, हम यानी ह्यूमंस, एप्स और मंकी, सर मैं देखूं ह्यूमंस कहीं लिखा है क्या, सर कहीं नहीं लिखा, एप्स सर एप्स भी नहीं दिख रहा, टाइगर भी नहीं, मंकी भी नहीं दिख रहा कहीं, तो सर इसमें तो कोई दिख ही नहीं रहा, बेटा मैंने आपको बताया ना एप्स क्या होते हैं, एप्स में आते हैं गोरिल्ला चिंपांजी वगैरह, है ना, वो एप्स ही है बेटा, तो कहीं गोरिल्ला या चिंपांजी दिख रहा है कहीं, हाँ सर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, रात को टाइगर से डरा डॉगी, ठीक है, को यानी काऊ, तो ये तो हो नहीं सकता, ईस्टर साइकिल होता है, टाइगर में भी ईस्टर साइकिल होती है और डॉग में भी ईस्टर साइकिल होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोरिल्ला, ऐसे छुपाएगा वो आपसे, एप्स नहीं लिखेगा वो, गोरिल्ला चिंपांजी वगैरह लिख करके आपको छुपाएगा, ठीक है, चलिए सब